नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर। और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। जी हां, हिमाचल में तो चुनाव हो गए, 18 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन गुजरात को लेकर के लगातार दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, अपने अपने दावे लगातार जारी हैं। आज आपको बता दें कि एक जो बड़ा फैसला जीएसटी के अंदर लिया गया, जिसमें कि 177 उत्पादों को 28% कर से घटा करके जो है 18% में उनको लाया गया है, कुछ की और कम दर में उन्हें लाया गया है। महज 50 आइटम ऐसे रह गए हैं जो कि अब 28% के दायरे में होंगे। गुजरात चुनाव को लेकर के कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। आज पी चिदम्बरम ने सुबह ही एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता के दबाव में तमाम विश्लेषकों के आगे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। जिस तरीके से वो अपनी मनमानी नीति चला रहे थे, उनको झुकना पड़ा है। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ पाटीदार किस तरफ जाएंगे, दलित क्या करेंगे, ये तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे सर्वेक्षण आ रहे हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि बीजेपी की सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वोट परसेंटेज घट रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस ने अपना इंटरनल सर्वे किया है और उनका दावा है कि 120 सीटें उन्हें मिल रही हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एटेजाइन टीवी के। उनसे बातचीत करते हैं और वो गुजरात के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिलीप जी, पहला सवाल आपसे यही होगा कि कई सारे मुद्दे जो है गुजरात में एक साथ आ गए हैं, जिसमें बहाल पाटीदार आंदोलन भी है, जिसमें जीएसटी का मुद्दा भी गरमा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? एक 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी जिक्र लोग बार बार कर रहे हैं। जाहिर है, दो तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो जब से चुनाव, गुजरात के चुनाव का ऐलान या उससे पहले से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी में एक आक्रामकता, जिसे हम कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में 2014 के बाद या उससे पहले भी हमने इतनी आक्रामक हो गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी। गुजरात के चुनाव आते आते अब तक अगर हम कांग्रेस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, जो चुनाव 1952 में या विधानसभा चुनाव में या कहीं पे, कांग्रेस कभी भी आक्रामक, इस तरह के आक्रामक तेवर के साथ चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा। इसके दो कारण हैं। एक, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, संघ के लिए, वहां पे कांग्रेस बहुत दिनों से एक चुनौती, कोई इस तरह के कांग्रेस पेश नहीं कर पा रही थी, कोई चुनौती था ही नहीं। जिस तरह से 22 साल की जो आप बात कर रहे हैं, 22 साल इसलिए कि कांग्रेस वहां पे एज ए पार्टी, एज ए संगठन मजबूत वहां दिख ही नहीं रहा था, कभी चुनौती दे नहीं पाए। तो एक तो कारण ये भी था कि कांग्रेस अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा लगातार, राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी वहां दौरे कर रहे हैं, अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के सबसे करीबी है, राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से चीजें, किस आक्रामकता और किस पूरे दमखम लगा करके उन्होंने उस चुनाव को जीता। उसके बाद उन्हें लगा कि ये चुनौती हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है और उसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों को, उसके जो संगठन के लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको लगना चाहिए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और वो राहुल गांधी की जो तीव्रता है, जो वहां पे लगातार वहां पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, तो उससे उनको अपने, अभी ये बीजेपी के पर मैं बाद में आता हूं, तो मुझे लगता है पहले उनको कांग्रेस को इकट्ठा करके, रिवाइव करके, एक मजबूत पार्टी के तौर पे पेश करना है, जो वो मीडिया के सामने, देश के सामने कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी का क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसमें आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इज इन फ्री, कांग्रेस पार्टी इज फाइटिंग इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। काम करने में राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम अगर हम देखें तो इस वक्त सफल दिखती है। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है या चुनौती मजबूत चुनौती वहां पे दे रही है, ये एक दूसरा सवाल है जिसपे हम अलग से मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है जो पहली बात है कि अब तक 22 साल से, और जब से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां पे काम कर रही है, बीजेपी एक मजबूत संगठन के रूप में, बीजेपी को वहां से एक मजबूत नेतृत्व भी मिला है देश के लिए भी, नरेंद्र मोदी के रूप में, अमित शाह उस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तो इस समय जो बीजेपी को मिला है वो उससे गुजरात ही नहीं बल्कि बीजेपी पूरे देश में
अपने परचम को लहराते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जिस प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है, योगी तो पहले भी थे लेकिन बहुत सारे कारक इस बार शामिल हुए होंगे जो इस जीत के पीछे, तो अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है वो गुजरात से में तक सीमित नहीं है, लेकिन गुजरात में उनका जड़ है। और राहुल गांधी का जड़ वहां पे गुजरात में अगर हम देखें तो वो कब के कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बार ये कोशिश की है, चाहे बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ टेलीविजन मीडिया, बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ कैंपेन, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कारण कोई भी आप रख लें, कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये बात राहुल गांधी कह रहे थे, राहुल गांधी को मैंने व्यापारियों को कहते हुए सुना कि आपको ये लग रहा होगा कि कांग्रेस इस बार चुनाव मजबूती से लड़ रही है, तो राहुल को यही जताना था सबसे पहले कि कांग्रेस इज इन फ्रे, कांग्रेस इज इन स्ट्रेंथ, कांग्रेस इज फाइटिंग एंड कांग्रेस इज फाइटिंग वेल। इस चीज को राहुल गांधी जहां तक ले गए हैं, यहां से क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई चुनौती, एक चुनौती के रूप में या एक बड़ी चुनौती के रूप में है, ये एक सवाल है जिसको कि कई जिसके पक्ष हैं। दो फैसले एक साल में हुए, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले लोग रहते हैं, कैश धन जो है वहां पे व्यापार करने वाले लोगों को वो फर्क पड़ता है, डिमोनेटाइजेशन से भी उनको असर पड़ा और जीएसटी से मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावित हुए थे, बिजनेस ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि हमने जिस तरह का विरोध जीएसटी को लेकर गुजरात में देखा उस तरह का विरोध और कहीं नहीं हुआ। तो उससे भारतीय जनता पार्टी की जो वहां भी सरकार थी और जो केंद्र में भी सरकार, तो दोनों तरफ अगर हम देखते हैं कि सरकारों ने कुछ निर्णय लिए, सरकारों को कुछ जीएसटी पे भी अगर हम देखें कई सारी चीजें रोल बैक हुई, कई चीज आज भी जो चीजें रोल बैक हुई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, खास करके अगर हम जीएसटी में देखें कि 18% जो ईटिंग आउट जो रेस्टोरेंट में खाना फाइव स्टार को छोड़ के जगह 5% पे उनको उसको स्लैश करके ले आया गया है। ये एक बहुत क्या जितने भी जीएसटी पे अभी तक सरकार, जैसे हम कहते हैं कि स्टैटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, एक डायनेमिक गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी अपने आप को डायनेमिक गवर्नमेंट एक डायनेमिक रूप से काम करते हुए नजर आ रहा, तो उससे जो गुजरात के व्यापारी हैं, जो गुजरात के वहाँ के प्रभावी जो जीएसटी से प्रभावित हुए मतदाता हैं, उनके लिए उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। और अब हिमाचल के जब चुनाव निपट चुके हैं, हिमाचल के चुनाव निपटने के बाद बीजेपी एज ए पार्टी, संघ परिवार जिसे संगठन के रूप में देख रहे हैं, वहां के बीजेपी के नेतृत्व तमाम लोग जमीन पे वहां पे उतर चुके हैं। जिस तरह का कम्युनिकेशन वॉर, चाहे किसी भी मीडिया के जरिए आप देखें, अभी जो भी खबरें आ रही है, खास करके जितने हमने ओपिनियन पोल्स देखे हैं जो कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। अब कैसे बन सकती है, क्यों बन सकती है, इसके क्या क्या कारण है, पाटीदार कहां जाएंगे, मुस्लिम वोट कहां पे जाएगा, वहां पे दलित किस तरफ जाएगा, वहां आदिवासी किस तरफ वोट करेंगे, संगठन किस तरह का है बीजेपी का, नेता कौन होगा वहां बीजेपी का, मोदी पे कितना भरोसा है, अमित शाह की रणनीति और टीम किस तरह से काम कर रही है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको हर एक को डिटेल में आपको जाके देखना होगा। लेकिन गुजरात के चुनाव को लेकर एक बात तो बहुत साफ है, ये बीजेपी भी जितने मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है कि हम एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी को, एक मैसेज पूरे देश में देना है, वो गुजरात से बेहतर तरीके से वो दे सकती थी, जो उन्होंने देने की कोशिश की कि हम भारतीय जनता पार्टी के आज भी सबसे मजबूत विकल्प अगर कोई है इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वो मैसेज कांग्रेस पार्टी को देनी थी। लेकिन गुजरात से जो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना है कि मोदी की जड़ जो है वो मजबूत है, मोदी गुजरात में आज भी उनका असर है, और गुजरात के लोग, क्योंकि अगर वहां पे चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, इसके बावजूद कि वहां 22 साल का एंटी इनकमबेंसी एक फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव ये नाक का सवाल है, ये किसी भी कीमत पे बीजेपी अपनी कोशिश के रूप में, वैसे मतदाताओं का फैसला आखिरी फैसला होता है किसी भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में, जो मतदाता तय कर लेते हैं तो उसको आप उस पर आपका कोई वश नहीं चलता है, लेकिन आप मतदाताओं को क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या संदेश देते हैं, तो गुजरात के मतदाताओं को कम से कम एक संदेश तो साफ है कि आप अगर गुजरात में बीजेपी को जिताते हैं,
गुजरात में बीजेपी जीतती है तो उससे नरेंद्र मोदी मजबूत रहेगा और एक स्वाभाविक सा कनेक्ट होता है हर स्टेट से, किसी स्टेट का राष्ट्रपति बने, किसी स्टेट का प्रधानमंत्री बने, इस पद पर पहुंचना वो एक समाज में हर वर्ग में एक उसका एक प्राइड होता है कि वो गुजरात के हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि गुजराती प्राइड, गुजराती स्मिता, गुजरात का जो उस चीज को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, संघ परिवार और वहां के जो ऐसे मतदाता हैं, संगठन हैं, वो भी चाहेंगे, लेकिन चुनौती भी विपुल काफी ज्यादा नहीं है। चलिए हमारे साथ शोभा उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे गुजरात में क्या स्थिति चल रही है। तमाम ओपिनियन पोल तो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल पोल है वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 120 सीटें जीतेगी। जमीन पे आप हैं इस समय, क्या कुछ स्थिति है? और क्योंकि कहा जा रहा है कि पाटीदार भी नाराज हैं, दलित भी नाराज हैं, जीएसटी से लोगों को जो परेशानी हुई है, व्यापारियों को उनकी भी नाराजगी है, कैसे निपटेंगे सबसे? देखिए ऐसा है कि जी हेलो जी सुनिए, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। ये जो मीडिया हाइप है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे जी। इसी तरह का कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी 151 प्लस सीट से आ रही है और इतना संगठन मजबूत है यहाँ बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र तक सब जी। हेलो जी, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ तो हाँ यहाँ पे जो जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। दिल्ली से भी हमारे बड़े प्रभारी नेता लोग आए हुए हैं, वो लोग भी कमाल रहे हैं सब यहाँ पे। और मैंने जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता से और जनता से भी बात करके देखा, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। 151 सीट आ रही है ना, तो पाटीदारों का ये सब छोटे मोटे एरिया में छोटी मोटी वारदातें होती हैं, पर जी इसका कोई अस्तित्व, कोई असर नहीं। ठीक सुभाष जी, एक और सवाल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी घबराई हुई है और इसी वजह से अब जीएसटी पर फटाफट रोल बैक किए जा रहे हैं। आज भी जो फैसला लिया गया उसको लेकर के पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से कई ट्वीट किए गए पी चिदम्बरम की तरफ से कि गुजरात की जनता के दबाव में वहां पर चुनाव होने के चलते ये जो है तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में बीजेपी घबराई हुई है? क्या बीजेपी बिल्कुल नहीं घबराई है। वही मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से हम लोगों में कॉन्फिडेंस है और बीजेपी के सभी नेताओं में कॉन्फिडेंस है, तो हम जनता में कितना कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, कौन ये माहौल बना रहा है और ये एक छोटा सा एक ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। नहीं, आप लोग आप कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं जी, आप लोग में तो आत्मविश्वास है लेकिन क्या जनता में भी उतना ही विश्वास है आपके प्रति? क्योंकि 22 साल से जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता में को भ्रमित किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये भ्रमित? जनता पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के जो समझदार पढ़े लिखे लोग भी जनता के हैं जी, वो किसी तरह से विस्तृत नहीं। कौन कर रहा है ये भ्रमित जनता को? जनता को हमेशा, आप लोगों को पता है कि नहीं, चुने तीन चार लोगों का जो ग्रुप है जो कांग्रेस से मिलके भ्रम फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें गांधीया लोगों के बीच में ला रहे हैं, उसका पर जनता बहुत समझदार है जी। दिलीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था शोभा जी कि वहां पे मुद्दा क्या है आपके पार्टी के लिए, किस मुद्दे को लेके आप जा रहे हैं लोगों के बीच में कि आपको वोट क्यों दें? देखिए मुद्दा ये है कि जो विकास मोदी जी ने किया है और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से ही है और प्रधानमंत्री का पूरे देश में, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में आगे आना है, तो मोदी जी जो भारत की छवि को पूरे विश्व में लेके आए हैं वो छवि जी मोदी जी के इससे बन सकती है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब वही उन्हीं का सौजन्य से और उन्हीं के प्रयास से जो विकास और पूरे देश में हुआ है और हमारे सभी प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी। तो गुजरात तो उसका मूल है
गुजरात से ही तो निकले हुए हैं जो आज हमारे पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो गुजरात के लोग कैसे उनको नीचे कर सकते हैं। वहाँ तो कांग्रेस प्रचार कर रही है विकास पागल हो गया है, जिससे इतने बड़े बड़े महापुरुष निकल रहे हैं और पूरे देश को चला रहे हैं। तो इसलिए मुद्दा ये है कि पूरा देश का मार्गदर्शन गुजरात कर रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पर जी कीर्तिमान स्थापित, तो आप ये कह रही हैं वहाँ पर लोकल मुद्दे नहीं बल्कि विश्व गुरु बनेगा भारत और देश को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी, ये तमाम मुद्दे रहेंगे गुजरात चुनाव में, वहाँ स्थानीय मुद्दे नहीं रहेंगे। गुजरात में लोकल मुद्दा मुझे तो नहीं दिखता क्योंकि मैं भी गुजरात में रही हूँ, मैं 8 साल बड़ौदा में रही हूँ और मैं तब से लेके अपने खुद जो बदलाव देख रही हूँ, जो इतना विकसित सब कुछ, ऐसी रोड्स बनी हुई हैं, ऐसे यहाँ का सिस्टम जो है, एक एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, कार्यकर्ताओं में भी अनुशासन है और जो संगठन में एक दूसरे के लिए काम करने का छवि और काम करने की क्षमता है, उससे मैं देख रही थी कोई यहाँ पे लोकल मुद्दे इस तरह के नहीं है कि कुछ ये काम नहीं हुआ या विकास नहीं। लोकल 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 मुद्दे उतने हावी नहीं है, संतोष एक दूसरे का आपस की राजनीति है ये तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय, अपनी बातें, अपनी पार्टी का पक्ष हम तक साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौट रहे हैं, चर्चा हमारी जारी है गुजरात चुनाव को लेकर के, एक और खास मेहमान अवधेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर के, क्या कुछ मुद्दे हैं, किसका पलड़ा हावी है, क्या स्थिति इस समय दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी पहली टिप्पणी तो यही होगी कि अभी अभी की जो स्थिति है, क्या ऐसा लग रहा है कि सर्वेस तो जरूर जो तमाम आ रहे हैं मीडिया में उसके मुताबिक बीजेपी को एक एज वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे कुछ सर्वेस में भी कहा गया कि उनका वोट परसेंटेज भी पहले के मुकाबले कुछ घट सकता है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? मुद्दे कई सारे हैं, पाटीदार है, जीएसटी है, दलित है, वहाँ 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इन सब के ऊपर एक बड़ा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, तो ये एक तरफ ये मुद्दा और एक तरफ ये मुद्दा, कौन सा पड़ला किसका भारी दिखाई दे रहा है आपको अभी? देखिए किसी भी चुनाव में चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी करना जरा जोखिम भरा होता है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन मैं बिहार का जो 2015 का चुनाव था और गुजरात का जो 2017 का चुनाव है, दोनों में एक समानता दिखाई पड़ती है। वो समानता ये है कि नीतीश कुमार का चुनाव लंबे समय बाद या पहली बार हमने देखा कि उतने व्यवस्थित तरीके से लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी की हर बातों का जवाब देना, उसके लिए वीडियो उपलब्ध कराना, सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करना, बाकी जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के सूत्र थे चुनाव प्रबंधन का, वो उन्होंने अपनाया था, लड़ा था। कांग्रेस लंबे समय से अव्यवस्थित चुनाव लड़ने का कर रही है, मतलब 2012 के बाद से कांग्रेस का चुनाव कोई भी बहुत व्यवस्थित नहीं रहा। पंजाब में उसके पक्ष में आ गए परिणाम क्योंकि अकाली और भाजपा के खिलाफ एक वातावरण था, लेकिन चुनाव जितना प्रबंधित होना चाहिए वो नहीं था। लंबे समय बाद दिख रहा है कि गुजरात में कांग्रेस एक व्यवस्थित चुनाव लड़ रही है, मुद्दे उठा रही है, आक्रामकता है प्रचार में, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ चुकी है, हर एक 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 मुद्दे को पर वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीन युवा नेता वहां उभरे उन तीनों को अपने साथ एक तो मिली गए, हालांकि वो एनएसवाई में भी थे, लेकिन इधर तो वो कांग्रेस से अलग हटके और पिछड़े पिछड़े संगठनों को, पिछड़ी जातियों को मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। अल्पेश ठाकुर को मिला लिया, जिग्नेश का समर्थन मिल गया, लगभग हारती का भी समर्थन तय ही है क्योंकि ये माने ना माने तो ये कोशिश कर रही है, सब कांग्रेस में इधर नहीं दिख रहा था। तो इसके कारण गुजरात का चुनाव थोड़ा रोचक हो गया है। मेरा मानना यह है कि अगर देश में मतलब जीएसटी शायद नहीं आया होता तो गुजरात चुनाव भाजपा के लिए चुनौती होती ही नहीं,
और कांग्रेस को भी इतने मुद्दे नहीं मिलते। ये जीएसटी, चूंकि गुजरात एक मूलतः व्यापारियों का प्रदेश है, गुजरात में आपको मैंने हर परिवार में लगभग, कुछ परिवार छोड़ दिए तो नॉर्मली ज्यादातर परिवार में आपको व्यापार मिलेगा। वहां लोअर मिडिल क्लास के व्यापारी हैं जिनको जीएसटी का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि सच यही है कि जीएसटी में जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं, जिसमें सभी पार्टियों का योगदान होता है जीएसटी काउंसिल में। अगर एक कोई मुख्यमंत्री उसमें खड़ा होकर कह दे कि हम सहमत नहीं है तो स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन आम जो धारणा है या आम जो संदेश है कि सब कुछ सरकार कर रही है, तो इसके कारण जो है ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है बेहतर टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। लेकिन मैं 2012 को भी याद करता हूं, तो उस समय जब केशुभाई पटेल जैसे बड़े पटेल नेता ने विद्रोह कर दिया था, कांग्रेस से अलग पार्टी बना लिया था, गुजरात परिवर्तन पार्टी, और उसके चुनाव लड़ा था, करीब 162 या 65 सीटों पर उन्होंने लड़ा था, और उस समय लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए कठिनाई बढ़ गई है, वो चुनाव कहीं पराजित भी हो सकते हैं और कांग्रेस शायद बेहतर करेगी। लेकिन इतने के बावजूद कांग्रेस वहां जो है केशुभाई पटेल का लाभ नहीं उठा पाई जितना उठा सकती थी। केशुभाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें कम कर दी, अपने नहीं जीते, कांग्रेस की बढ़ गई थी। जो अंतिम जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में एक माइनस पॉइंट ये था कि नरेंद्र मोदी को बिहार के नेताओं ने बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं कराया था। जैसे वो बिजली का मुद्दा हर मीटिंग में उठाते थे, जबकि बिहार में 17 से 18 घंटे बिजली रह रही थी। वो पूछते थे बिजली आई, अब लोग क्या जवाब दें। लेकिन गुजरात नरेंद्र मोदी का अपना प्रदेश है, इसीलिए व्यवस्थित चुनाव होते हुए भी नरेंद्र मोदी अपने प्रदेश में जितनी उनकी क्षमता है, जितने उनके संसाधन है, जितने उनके संपर्क है, जितनी राजनीति की उनकी निपुणता है और अमित शाह की, वो सारा झोंकेंगे। और वो झोंकने के बाद मुझे लगता है कि फिर वो लड़ाई हो, संभव है कि लड़ाई फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाए। लेकिन आज की स्थिति में कहना पड़ेगा कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति से, अपनी समर नीति से, अपने चुनाव अभियान से, अपने अपने ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया अभियान से चुनाव में ऐसा वातावरण बना दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में है। दिलीप जी, ब्रेक अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, ब्रेक से पहले आपने कांग्रेस पार्टी का लंबा चौड़ा विश्लेषण किया, लेकिन अब जरा बीजेपी में आते हैं। क्या बीजेपी में घबराहट आपको लग रही है, क्योंकि कहा यह गया कि 3-3 महीने पे जीएसटी के फैसले होंगे। अब हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले जो फैसले लिए जा रहे हैं और जो 28% से 178 उत्पादों को जो है वो कम कर दिया गया, तो बीजेपी में कुछ घबराहट है। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो चुनौती थी वो ये कि 22 साल से वो गुजरात में मोदी के सामने या बीजेपी के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। उनकी सबसे बड़ी चुनौती इस बार थी 17 में चुनाव लड़ने से पहले अपने आप को इस तरह से खड़ा करे कि वहां चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। उसमें राहुल गांधी सफल हुए हैं। लेकिन अगर हम 3-4 पोल्स को देखें, 3-4 मीडिया संगठन ने जो पोल किए हैं, लगभग तमाम ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त नहीं है, बल्कि वो कंफर्टेबल ठीक ठाक संख्या बल से सरकार बनाते हुए नजर आए। चलिए उसमें सैंपल साइज को आप कह सकते हैं, कई सारे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि ये सब ओपिनियन पोल दुरुस्त नहीं, वो सारी बातें हैं, लेकिन कोई ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी वहां कमजोर है, नंबर एक, या ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस वहां जीत रही है। ये भी सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज वेदर दे विल हैव द सेम नंबर और दे विल हैव अ स्मॉलर नंबर। क्या उसी संख्या उसी बहुमत से जीतेंगे, 119 से 121 होगा या 113 होगा, 110 होगा, 90, क्या होगा? संख्या आप ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो संकेत, जमीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन मीडिया संगठन जो वहां से ये सर्वे करके लेके आए हैं, ओपिनियन पोल करके लाए हैं, तो वो आखिर उनका आधार क्या होगा? उन्होंने कई चीजों को देखा है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि इसको अगर देखते हैं हम, तो कुछ जो पोल्स हैं उसमें नोटबंदी, जीएसटी, सीएम के रूप में पसंद, बीजेपी को क्या एक और, मतलब बीजेपी को फिर से मौका मिलना चाहिए, किसान का वोट जो है वो किसको जा सकता है, व्यापारियों का वोट किसको जा सकता है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है वहां पे, अब ये अगर किस उम्र के वोटर किसके साथ हैं, दक्षिण अलग अलग इलाके जो गुजरात के हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, महिलाएं किस तरफ जा रही है,
तो अगर कुल मिलाकर के हम चीजों को देखें और सामुदायिक जो लीडर हैं, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, इन तमाम लोगों का कितना, ये तमाम लोग अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हुए इसलिए भी दिखाई दे रही है कि ये तमाम लोग उनके साथ खड़े, एक किसी न किसी रूप में खड़े दिख रहे हैं। अगर ये आप निकाल दीजिए तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि बिहार का पैरेलल वो गुजरात में ड्रॉ कर रहे हैं, वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एक पॉपुलर नेता थे, उनके पश्चात कांग्रेस और आरजेडी जैसा पॉपुलर वोट, खास करके आरजेडी का, उसका समर्थन मिला। यहां पे कांग्रेस के साथ वो एडवांटेज नहीं है, यहां कांग्रेस के पास कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है, ना ही इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड एक वोट बैंक है जो कि कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव, जैसे सरकार बनाने के तरफ या सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस को ला सके। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इनके मदद से चुनाव लड़ते हुए दिख रही है, लेकिन संगठन और नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस पार्टी वहां पे क्या बीजेपी को पराजित कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अजय जी, ये अभी ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे थे, ज्यादातर ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में, लेकिन हमने देखा बिहार और दिल्ली ये दो राज्य ऐसे रहे जहां पर तमाम ओपिनियन पोल जो है वो लगभग गलत साबित हुए। बिहार में भी ये प्रेडिक्शन शायद ही किसी ने की थी कि बीजेपी इस तरीके से वहां पर पराजित होगी, और दिल्ली के अंदर भी हमने ये देखा था कि दिल्ली में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल की होगी। कोई सरप्राइज आपको लग रहा है कि यहाँ गुजरात में हो सकता है, या आपको लगता है चूंकि खुद मोदी वहां से आते हैं तो वो वहां पर चूक होने की गुंजाइश बहुत कम है बीजेपी की तरफ? देखिए, ओपिनियन पोल आजकल कई एजेंसियां करती हैं, मैं तो चुनाव शास्त्र को जो सेफोलॉजी है उस पर विश्वास करता हूं। अगर सही तरीके से ओपिनियन पोल हो, मतलब पोल हो और पोल कराने के बाद उसका सही विश्लेषण हो, आप आंकड़े सही निकाले, मेहनत कर किया जाए तो वो आसपास रह सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो आजकल मुझे लग रहा है कि ओपिनियन पोल में शायद सर्वे हो जाता होगा, लेकिन उसके बाद के आंकड़े जो निकाले जाते हैं उस ओपिनियन पोल का जो विश्लेषण करना है आपको, उसको उसमें कहीं ना कहीं दोष रह जा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार से गलतियां हो रही हैं। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे तो कई ओपिनियन पोल ऐसे आए हैं जो कि मतलब वो ये तो नहीं बता पाए हैं हूबहू परिणाम, लेकिन ट्रेंड लगभग उन्होंने बता दिया है। तो भी गुजरात के इस समय के ओपिनियन पोल को हमारे पास नकारने का भी कोई आधार नहीं है, इसीलिए कि दिलीप जी जो बिहार के बारे में कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहां नीतीश कुमार का चेहरा था। मैं तो केवल चुनाव, जो चुनाव प्रबंधन है जिस ढंग से वो दिखा रही है उसकी बात कर रहा था, वोट की बात मैं नहीं कर रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई बार जो है, भारतीय जनता पार्टी का 22 वर्ष का तो शासन तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात का प्रधानमंत्री है। गुजरात का प्रधानमंत्री अगर वहां जाकर के लोगों से वोट मांगता है तो लोगों के अंदर ये विचार है कि क्या हम नरेंद्र मोदी को पराजित करेंगे, हम अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री को। एक बड़ा मुद्दा गुजरात में ये बन रहा है, जीएसटी से एक असंतोष है, क्योंकि जीएसटी में जिस ढंग से, ये तो साफ है कि भाई जीएसटी में अगर इतने संशोधन करने पड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जल्दी में या तो ब्यूरोक्रेसी पर बहुत सारा कुछ छोड़ दिया था, जिस ब्यूरोक्रेसी ने सत्यानाश कर दिया चीजों पर टैक्स लगा करके, और आज आपको उसको बदलना पड़ रहा है। तो जीएसटी का जो असंतोष है वो तो अपनी जगह है, उसमें कहीं कोई दो बात नहीं, नोटबंदी के जो प्रभाव है वो भी अपनी जगह है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के समानांतर कोई गुजरात में बीजेपी का भी नेता नहीं उभरा है, ये भी सच है। मैंने ये एकदम से ये नहीं है कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है तो बीजेपी का, हालांकि बीजेपी के विजय रूपानी है, चाहे वो पटेल है, वो सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के समानांतर तो लोकप्रियता नहीं है ना। तो इसीलिए अभी मुझे कहना, क्योंकि यही कांग्रेस राज्यसभा चुनाव जब हुआ था उसके पहले कांग्रेस टूट रही थी जगह जगह, जिलों जिलों में कांग्रेस से लोग जो है उठ के जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। अगर चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग का फैसला थोड़ा सा बदल गया होता तो अहमद पटेल चुनाव हार गए थे भाई, वो जो वोट नहीं दिखा दिया अगर उसका नहीं आता तो ऐसी कांग्रेस एकाएक क्या ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी? हाँ, कई बार संगठन और बाकी चीजें काम, जैसे बीपी सिंह का चुनाव था तो बीपी सिंह के पास तो कोई संगठन नहीं था, अचानक एक नेतृत्व उभरा, उस समय एक वातावरण बना राजीव गांधी के खिलाफ, वो एक बफोर्स के कारण सारा विपक्ष अलग हुआ,
विपक्ष में समझौता हुआ और बीपी सिंह 144-145 सीटें 141 सीटें लेके आगे आ गए, ऐसा भी चुनाव हमने देखा है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसा कि बोफोर्स जैसा कोई मुद्दा, फेयर पैक जैसा मुद्दा, वो कांग्रेस के पास मिलना इस समय कठिन है, जिससे कि पूरे चुनाव को पलट करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजित कर सके। इसलिए आज के समय में एकाएक मेरे पास ओपिनियन पोलों को नकारने का कोई ठोस तथ्यात्मक तार्किक और व्यवहारिक आधार नहीं दिखता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम ये चर्चा जारी रखते हैं और अगले विषय पर भी जाना, एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे गुजरात चुनाव को लेकर के, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। दिलीप जी, अब सवाल यहाँ पर अब एक और महत्वपूर्ण है कि मुद्दे भी कांग्रेस को लगातार इस चुनाव के दौरान काफ़ी सारे मिले, बाकी नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ये मुद्दे तो रहे ही रहे, लेकिन एक मुद्दे जिसको लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जाता था वो था भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, उसमें एक अमित शाह का मुद्दा मिल गया। अब विजय रूपाणी को लेकर के जो सेबी की तरफ से 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है उसको, वो एक मुद्दा मिल गया। इसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इस पर अब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। अब लंबी चौड़ी सफाई रूपाणी जी की तरफ से भी आई है। तो क्या ये जो मुद्दे जिसको करप्शन पर को लेकर के प्रधानमंत्री का अटैक हर रैली में रहता है और यहाँ पर दो मुद्दों पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया, तो क्या ये आपको लगता है ये भी एक मुद्दा बनेगा क्या, विजय रूपाणी और अमित शाह? नहीं, मुझे लगता है वहां पे जो नैरेटिव्स हैं, वहां ये चुनाव किस तरह से देखा जाएगा, वहां मुख्यमंत्री कौन बनता है ये चुनाव अब नहीं रह जाएगा। बीजेपी की तरफ से जो चीजें अंडर करंट भी है और गुजरात के लिए भी कि मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री देश में 19 में लीड करने की स्थिति में रहेंगे या गुजरात में उनको हरा करके आप कमजोर करेंगे, मुझे लगता है जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है विपुल, वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। और बीजेपी के लिए ये कहने की बात नहीं है, ये एक अंडरस्टूड, क्योंकि जिस तरह से उनका मैं गुजराती हूं, हालांकि कांग्रेस उसके काउंटर में कि मैं पक्का गुजराती हूं, वो प्रधानमंत्री पे भी आप देखिए जो जितना कम्युनिकेशन है जो उनका सोशल मीडिया पे या अदरवाइज राहुल गांधी का जितना कम्युनिकेशन है, राहुल गांधी को भी पता है कि गुजरात चुनाव महत्वपूर्ण है लेकिन इस चुनाव के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी के समानांतर अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस लड़ते हुए दिखाई दे तो 19 में भी लड़ सकता है, अगर यहां पे लड़ते हुए दिखाई नहीं दे तो लड़ने के लायक ही नहीं बचेगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। तो यहां कांग्रेस के लिए, मोदी के लिए चुनौती है कि मोदी का होम ग्राउंड जो है, जो जड़ है, जहां रूट्स है, वो कितना मजबूती से आप पकड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहां से एक रास्ते जो, क्योंकि हिमाचल में उनकी सरकार थी, वहां इंडियन एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे और फैक्टर्स थे, लेकिन यहां से राहुल गांधी एक खुले मैदान में 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को, प्रधानमंत्री के 3.5 साल के यहां कार्यकाल को वहां पे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसका कि हर दिन, हर पल, हर क्षण सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन मीडिया पे उसका लगातार उस पर बहस चर्चा हो रही है। देश में आप कहीं चले जाएं, मैं अभी छठ में बिहार गया हुआ था, गांव में लोग एक ही पूछते थे कि वहां पे गुजरात में क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव के बारे में लोग वरिड है, गुजरात में क्या होगा, क्योंकि गुजरात के चुनाव से वो 19 को और आगे आने वाले चीजों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो नैरेटिव है, वो कांग्रेस का नैरेटिव नरेंद्र मोदी केंद्रित है और नरेंद्र मोदी केंद्रित जो हमला है उससे नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए ये और आसान हो गया है कि आप चीजों को नरेंद्र मोदी के तरफ ला करके खड़ा कर दें और गुजरात के लोग, गुजरात के मतदाताओं के सामने विकल्प रहे कि आपको एक गुजराती प्रधानमंत्री को कमजोर करना है या एक गुजरात के प्रधानमंत्री को मजबूत करके देना है। ये नैरेटिव अगर होता है, ये एक इमोशनल नैरेटिव होगा, ये एक बहुत लोगों को बांधने वाला नैरेटिव होगा, वहां भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, वहां पे आरक्षण जैसे मुद्दे, फिर ये चीजें पीछे चली जाती हैं, फिर एक अस्मिता किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। आप देखिए
जो हिंदुत्व का मुद्दा भी अगर देश में कारगर अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुआ तो उसके पीछे कई कारण है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बीजेपी का नैरेटिव है जो है वो कारगर ठोस है, और कांग्रेस जो भी कुछ कर रहा है उससे बीजेपी का जो नैरेटिव है, ये वाली जो सोच है, ये वाली जो एक छवि बनाने में, माहौल बनाने में, ये बीजेपी के लिए, आप देखिए अगर शुरुआत से देखें और अभी तक देखें, शुरुआत में जिस तरह की खबरें आ रही थी, सडनली हिमाचल चुनाव खत्म होते होते अभी जो चीजें दिख रही है कि नहीं बीजेपी तमाम सर्वे, ठीक है सर्वे ओपिनियन पोल कितने सटीक होते हैं कितने नहीं होते हैं इस पे मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि उसके परिणाम हम देख चुके हैं। 2004 में वाजपेयी एनडीए कमिंग बैक टू पावर सारे चैनल कह रहे थे, लेकिन उसके ठीक विपरीत सारे नतीजे आए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सब ठोस ही होता है, बिल्कुल ठीक ही होता है, लेकिन सटीक भी होता है। तो इसलिए उसको नहीं देखते हुए मैं देखता हूं कि जमीन पे कौन सी चीजें कारगर होती है, और उसमें जो सबसे कारगर चीज जीएसटी में जिस तरह से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं लगातार, और आज भी जो बदलाव किए गए हैं, सबसे ज्यादा गुजराती लोग खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, 18% को अगर 5% कर दिया गया है तो आपको क्या लगता है कि सीधे सीधे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, अन्य गुजराती इससे प्रभावित नहीं होंगे? जो लोग नाराज हुए होंगे वो इस बात को लेकर शाबाशी नहीं देंगे गवर्नमेंट को कि नहीं आपने अच्छा काम किया है, ये बात अलग है। जीएसटी काउंसिल का निर्णय होता है, इसमें तमाम सरकार के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार पे कांग्रेस पार्टी इसका सारा ठीकरा फोड़ रही है तो उस वहां पे तो फिर इसका लाभ भी तो उसे ही मिलेगा। तो इस तरह के जब आप कदम लेते हैं तो मुझे लगता है इसका असर दिखता है। लेकिन इस देश में एक खास बात है जिसको कि हम अभी दरकिनार और नकारना नहीं चाहिए कि जातीय समीकरण, जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उसे हम कहते हैं एक समीकरण, जब जमीन पर बैठता है तो चीजें बिल्कुल पलट जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के 22 साल के जो वहां पे लगातार जमीन पर सरकार घूमती रही है, केंद्र की सरकार है, उसके विरोध में जो लोग चाहे 10% खड़े हों, चाहे 5% खड़े हों, चाहे 20% कितना फीसद है मैं नहीं जाता, उसके साथ साथ कुछ पटेल भी जा सकते हैं, कुछ दलित भी जा सकते हैं, कुछ और भी लोग जा सकते हैं, क्या क्या वो एक मजबूत, लेकिन उसके साथ जो मैं कह रहा था कि वहां पे क्योंकि यहां पे नेतृत्व नरेंद्र मोदी सामने है, नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव है, वहां पे नरेंद्र मोदी के विपरीत ये वोट रहते हुए भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए वहां कुछ नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है या इस जो तमाम समर्थन करने वाले ये जो अलग अलग समुदाय के नेता हैं उनका भी चेहरा नहीं है। तो वो जो एक एडवांटेज है बीजेपी का, वो उसका परिणाम क्या हो सकता है? चलिए फाइनल कमेंट अवधेश जी आपका इस पूरे विषय को लेकर के, कि अब ये मान के चले कि आखिरी में जाकर के ये पूरा मामला भावात्मक हो सकता है। और एक छोटा सा सवाल है मेरा ये कि इस बार हमने देखा, क्योंकि हाल फिलहाल में 2014 के बाद जो चुनाव हुए, जब भी कोई विधानसभा चुनाव नजदीक आता था तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर हो जाता था जो कि कहीं ना कहीं कहा जाता था कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, वो चाहे इंटॉलरेंस का मुद्दा हो, वो सांप्रदायिकता का। इस बार कांग्रेस एक स्ट्रेटजिक मूव के तहत इस तरह के विषयों को नहीं उठा रही है, नहीं, चूंकि उन मुद्दों से केवल बिहार को छोड़ के कहीं ज्यादा लाभ नहीं हुआ है, रिएक्शन में बीजेपी को फायदा हो जा रहा है। कांग्रेस नहीं भी करती थी तो इस देश में एक बड़ा वर्ग है, उसमें बौद्धिक वर्ग में, बुद्धिजीवियों में, आप सबको मिला लीजिए, मीडिया में भी, कलाकारों में भी, आपको कवि, लेखक, वैज्ञानिक, ऐसे प्रोफेसर, टीचर, ऐसे एक बड़ी संख्या है जिनको एक एक, एक पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी और संघ से उनको एलर्जी है। अब उसका कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता है, वैचारिक मतभेद तो समझ में आता है, लेकिन वो वैचारिक मतभेद से बहुत आगे एलर्जिक जैसी स्थिति है एक एक मतलब वो, तो उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा उठाते रहे जिससे बीजेपी खत्म हो, दूसरा कोई भी जीते। तो हो, अभी हो सकता है, अभी गुजरात के चुनाव में समय है, दिसंबर में चुनाव है, हो सकता है कि कुछ ढूंढा जा रहा हो, कुछ उभार के ले आए, लेकिन कुल मिला के देखिए गुजरात के चुनाव में अभी भी अब अगर आप ध्यान रखिए तो मीडिया में भी जो कुछ आ रहा है उसमें जितना विरोध, मतलब आपको हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश के माध्यम से, इनके साथियों के माध्यम से आ रहा है, उस प्रकार से मीडिया में भी जनता का विरोध नहीं दिख रहा है। ध्यान से आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग जनता के बीच जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, हम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। मतलब अच्छा, पटेलों में जो नाराजगी है वो इस कारण नहीं है कि गुजरात में मोदी ने अच्छा किया, बुरा किया, देश में अच्छा कर रहे हैं, उनको आरक्षण चाहिए,
वो एक मांग से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आरक्षण की स्थिति क्या है, वो कितनी व्यवहारिक मांग है, उसका क्या परिणाम होगा। गुजरात में आरक्षण देने की एक कोशिश हुई भी जिसको कि हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए वो वातावरण जो ऊपर से दिखाई देता है वैसा ही नीचे हो कोई आवश्यक नहीं है। अभी चुनाव का समय है, थोड़े हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। जो दो चीजें आपने प्रश्न किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, मतलब उनके जयेश शाह का और विजय रूपाणी, देखो जयेश शाह का ये तो बात सच है कि वो 50,000 से लेके वो कंपनी 50 करोड़ तक गई है, लेकिन आपको लगता है कि 50 करोड़ जैसा मतलब गुजरात जैसे राज्य में किसी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए वो भ्रष्टाचार का मामला होगा? और सच्चाई आप भी जानते हो कि वो कंपनी उसको बंद करनी पड़ी क्योंकि कंपनी उसकी नहीं चली चल पाई। तो ये दूसरा पक्ष जो है वो भी तो बीजेपी सामने रखेगी कि भाई जिसकी बात करो कंपनी आज है कहाँ, वो 50,000 से शुरू करके 50 करोड़ टर्नओवर तो गया क्योंकि वो कमोडिटी की का बिजनेस था, उसमें जाता है, लेकिन अंततः वो कंपनी फेल हो गई क्योंकि उसमें मुनाफा नहीं आया है। और जो रूपानी का मामला है, आज ही मैं लोकमत समाचार में देख रहा था कि एक दूसरा कोई ने उस जुर्माने पर रोक लगा दिया है, सेट ने उस पर रोक उस पर रोक लगा दिया है, सेट ने रोक। तो अभी वो देखना पड़ेगा, ये सब एक इंट्रिकेस, ये सब एक एक मतलब जटिल मामला होता है बिजनेस का, इसको समझना। लेकिन हाँ, कांग्रेस इसको उभारने की कोशिश तो करेगी, इसको करेगी और उसका बीजेपी अपने अनुसार जवाब देती रही है, जवाब देगी, वो चलेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के मुख्य भाषण अभी हमको आगे भी देखने होंगे, चुनाव में कैंडिडेट पर निर्भर करता है, कैंडिडेट दोनों पक्ष कैंडिडेट उतारते हैं उसमें क्या है। अगर इन्होंने अल्पेश ठाकुर के जिग्नेश पटेल और जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के कहने पर ज्यादा टिकट राहुल गांधी ने बांट दिए तो ये संभव है कि वहां के स्थानीय कांग्रेस में विद्रोह हो जाए, वो फिर पार्टियां टूटे, बहुत सारी अभी संभावनाएं बाकी है, उन सब को हमको देखना पड़ेगा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। चलिए, अब इस विषय को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अभी लंबा वक्त है गुजरात चुनाव को लेकर के। आने वाले समय में जैसे जैसे बयान आएंगे, जैसे जैसे कुछ और खबरें आएंगी, उस पर हम समय समय पर विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन फटाफट एक और विषय जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं हमारे तमाम खास मेहमानों के साथ, वो है बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा। लालू यादव ने इशारों में आज इस बात का जिक्र किया कि वो 2020 में तेजस्वी यादव को जो है एक तरीके से अपनी विरासत सौंप सकते हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी बातों से ऐसा संदर्भ निकाला जा सकता, हालांकि सीधे सीधे वो कहने से इस बात को बच रहे थे। तारीफ की, उन्होंने कहा मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि उनके अंदर तेजस्वी के अंदर राजनीतिक समझ जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। जरा बयान सुन लेते हैं। 2020 में आपका पार्टी का चेहरा रहेंगे? अब ये सब बात हम लोग जनता न तय करें, पार्टी तो लेकिन तय करती है ना, फेस तो सब पार्टी तय करती है ना कि हाँ तो करेगा, जब टाइम आएगा तो हो जाएगा। तेजस्वी जी कोई उम्मीदवार तो आज घूम रहा गया, कोई मारा मारी हो रहा है, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। अभी चुनाव दूर है, चुनाव जनता न बनाती है, योग्यता में कौन सी कमी है, किसी के सब योग है। आपने कहा कि प्रतिभाशाली है, यूथ को आगे करना चाहिए, यूथ तो आगे हम लोग कर ही रहे हैं सब, देखा ज्यादा यूथ लोग वही हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि साफ साफ कुछ भी कहने से बचते हुए भी दिखाई दी लालू यादव, लेकिन क्या अब जो है कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा होती है राजनीतिक परिवारों में खासतौर से। दिलीप जी, आप कैसे देख रहे हैं, अगर तेजस्वी को कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जो कि जिस तरीके से रीजनल पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, चाहे वो यूपी में हो या फिर कहीं और हो, हम देख रहे हैं कि एक विरासत की राजनीति चलती रही है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो लालू प्रसाद यादव के बयान, मीडिया और खबरें और खबरों को ढूंढना, ये उसी का है। यहाँ पे वहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है हुआ, क्योंकि रामचंद्र पुड़वे साहब ने पीछे पिछले सप्ताह उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि आगे तेजस्वी यादव का नाम रहना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए और इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, जिस पर कि रघुवंश प्रसाद ने और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर आपत्ति जताई थी, जो खबरें हैं जो वहां से निकल के आई। और उसके बाद ये चीजें, ये उसी का जो है, ये जो प्रेस मीट गैदरिंग सवाल जो भी आप इसको देखते हैं छोटा सा,
तो कुल मिलाकर के वैसे तो जब मुख्यमंत्री जो उन्होंने बनाया था तभी तय कर दिया था कि कौन और किसको जो है लालू यादव विरासत सौंप सकते हैं, क्योंकि वो खुद उस लायक अभी है नहीं, कन्विक्टेड हैं, वो लड़ ही नहीं सकते हैं, तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था और मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने तय कर दिया। तो ये सवाल जो है कि 20 में 20 तक तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, 20 तक तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से उनको क्लीन चिट लेकर निकलना बाकी है। तो लालू यादव और बिहार की जनता के सामने अभी बहुत दूर चीज़ें हैं, यहाँ से ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर लालू जी क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में परिवर्तन और पूरे देश में ही परिवर्तन का एक हमने देखा है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, खास करके वो पार्टियाँ जो परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टियाँ थी उनकी स्थिति बहुत गंभीर हुई है हाल में। और हमने देखा है कि बिहार हालांकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और जेडीयू गठबंधन से वहां बीजेपी को वो हरा पाए थे, लेकिन वहां पे क्या परिवारवाद को बिहार स्वीकार करेगा वहां पे एक बड़ा सवाल है। लालू जी क्या सोचते हैं ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बिहार के इतिहास में देखते हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको हमने देखा है कि परिवार के नाम पे अगर जीतना होता तो वहां पे मधेपुरा से लालू यादव जीते हैं, शरद यादव जीते हैं, लेकिन बीबी मंडल जो मंडल कमीशन के ऑथर थे, चेयरमैन थे, उनके परिवार से कोई नेता एमपी एमएलए बन जाते हैं वहां पे स्थानीय स्तर पे, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं बन पाए हैं। तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा परिवार का असर होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो लालू यादव, क्या आज हम भी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अकेले लालू यादव के फैसले से, आरजेडी के फैसले से वहां पे चीजें, आरजेडी आज उस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले फैसला कर ले और वो स्वीकार हो जाए। अधर जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर लालू यादव को आगे अपनी विरासत बढ़ानी है तो तेजस्वी को आगे करना होगा, लेकिन घर की पारिवारिक विरासत की राजनीति धीरे धीरे धूमिल हो रही है, कमजोर हो रही है, समाजवादी पार्टी का हश हमने देखा अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए दोनों दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो यह है कि लालू यादव आखिर अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर तेजस्वी यादव की घोषणा कर दी, अगर वो केस से बरी हो जाते हैं तो जाहिर है कि वो फिर से वो आ सकते हैं सामने, लेकिन अगर लालू यादव का केस से बरी नहीं होते हैं, सजा उनकी कायम रह जाती है, उनको जेल जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में जो है तेजस्वी यादव ही तात्कालिक उनके जो है उम्मीद के पात्र हैं, उम्मीद की किरण है, पात्र नहीं है। और नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल से अपना गठबंधन तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो पूरे प्रदेश का दौरा तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में हुआ, उन्हीं ने पूरे प्रदेश में जो है यात्राएं की, और आज भी आरजेडी का काम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहा है, वह अध्यक्ष भले हुआ कोई हो, तो तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हो चुके हैं, वो लगभग लालू के बाद उनको ही लोग मानता है कि भाई इन्हीं यही हमारे नेता है, उनके पास ही ज्यादा लोग जाते हैं, उन्हीं से मिलते हैं, निर्णय में उनकी सहभागिता होती है। यह बात अलग है कि अभी लालू यादव की बात अंतिम होती है, वो आगे भी रहेगी, तो यहां तक तो मुझे संदेह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से प्रॉपर्टी के केस हैं वो किस रास्ते ले जाएंगे इस पर बहुत कुछ, इस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। अगर तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा, अगर तेजस्वी यादव पर, हालांकि जब तक सजा नहीं होगी तब तक तो वो चुनाव लड़ने के योग्य रहेंगे, लेकिन मान लो अगर वो जेल में रहेंगे तो फिर कैसे पार्टी का नेतृत्व कर सकेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो आप कह रहे हैं, देखिए लालू यादव के बारे में ये लोग भूल रहे हैं कि लालू यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुनाव हारती रही है। 2005 का फरवरी में विधानसभा चुनाव हुआ, अक्टूबर में 2 विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों विधानसभा चुनाव वो बुरी तरह हारे थे। 2009 का लोकसभा चुनाव लालू यादव बुरी तरह हारे थे उनके नेतृत्व में। 2010 का चुनाव हारे थे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी तक चुनाव हार गई थी 2010 में। 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे, तो 5 चुनाव वो लगातार हार रहे थे। 2015 का चुनाव एक विशेष परिस्थिति में हुआ, नीतीश कुमार का चेहरा सामने था, नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से गलत रणनीति अपनाई, गलत उम्मीदवार उतारे, पार्टी में ही इतना विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप उसकी और जातीय समीकरण बना, विजय हो गई। अब नीतीश कुमार के बगैर लालू यादव की पार्टी फिर से पुनर्वापसी करेगी, ये इस समय मेरे लिए कहना कठिन है, क्योंकि पहले के 5 चुनाव उनको जनता ने पराजित कर दिया था, लालू यादव स्वयं पराजित हो गए लोकसभा चुनाव में, ये मत भूलिए, राबड़ी देवी पराजित हो गई, उनकी बेटी जो है पटना से पराजित हो गई,
तो ये इसलिए जो इतिहास है उसमें उभरने के की संभावना मुझे कम दिखती है। लेकिन लेकिन ये बात सच है कि इस समय आगे जो कोई अगर उत्तराधिकारी उनके हैं तो वो पार्टी की दृष्टि से तेजस्वी यादव ही है। एक बात है, देखिए 19 है, 19 में लालू को तेजस्वी के लिए रास्ता साफ करना है। पहले नीतीश के साथ मिलकर उन्होंने उनका रास्ता साफ किया, परिवार को स्थापित करने में उन्होंने बड़ी भूमिका, यहाँ तक कि नीतीश को मुख्यमंत्री जो उन्होंने माना, उनके पास कोई विकल्प था नहीं, इसलिए उन्होंने मान भी लिए और दोनों बच्चों को उन्होंने आगे रख भी दिया और वो स्थापित राजनीति में एक तरह से शुरुआत उनकी हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि 19 से पहले पार्टी में कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो, चाहे वो रामचंद्र पूर्वे भी हों, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, कई और वरिष्ठ नेता हैं जो यादव भी हैं और मुस्लिम भी हैं और अन्य भी जो उनका सपोर्ट बेस है, उसमें आप लालू प्रसाद यादव किस तरह से उनको तेजस्वी को स्थापित करता है, ये एक रणनीति हो सकती है। मुझे लगता है ये जो आउट ऑफ टर्न सडनली जो ये चीजें लाई गई है, ये पार्टी के अंदर ताकि खबर में रहे तेजस्वी वहां नेता बन सकता है, इसकी शुरुआत एक्सरसाइज लालू यादव की तरफ से करवाई गई होगी, मैं ये मानता हूं। ये अचानक यूं ही जो है बिल्कुल सडनली कुछ सवाल की गहराई देख रहे ये हैं। वो एक 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 टेस्ट जिसको कहते हैं लैब टेस्ट करना, उसकी शुरुआत पहले कर चुके हैं, अब इसको जो है मार्केट में लाने की वो तैयारी है और उस मार्केट में कितना एक्सेप्टेबल होता है ये आपको 19 में पता चलेगा। चले लालू यादव ये भी चाह रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जैसी शीशा लेदर भी ना हो, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव को बनाने को लेकर तमाम लोग रिश्तेदार अलग अलग हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, अवधेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटनाचक्र को फिलहाल हम यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जैन टीवी के साथ। नमस्कार।